बीजेपी के बारे में क्या सोचना है आपका? बीजेपी और टीएमसी एक ही है बंगाल में। दीदी चाहते हैं हर वक्त दिल्ली में बीजेपी पावरफुल रहे। मैंने पुलिस को मारने के लिए नहीं बोला है, वो मेरे ऊपर आरोप है। देखिए, जिस दिन मोइनुद्दीन का डेट हुआ गोली करके, जब जिस दिन मारा था उस दिन बंगाल का पूरा उत्तल हो गया था। वो बाहर से आदमी को लेके उधर आया वहाँ का वायलेंस करने के लिए। एक किसी ने प्रूव किया, अगर करेगा जो हम नौशाद सिद्दीकी या आईएएस बीजेपी के एक रुपया लेके फंड लेके पार्टी चला रहे, उस दिन बंगाल का जनता ने हमको जो सजा देगा हम मान लेंगे। मुसलमान सिर्फ ममता को दीदी को वोट डालेगा, दूसरे के पास जाने का कोई हक नहीं है। मुसलमान बोलते हैं कि वोट डालो, ठीक है वोट डाल दिया, क्या किया 12 साल में। पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है उसमें एक नाम बारहा लिया जा रहा है, खासकर इन दिनों जब पंचायत चुनाव की चर्चा हो रही है, वो नाम है एक पार्टी का, इंडियन सेकुलर फ्रंट, आईएसएफ कहते हैं उसको छोटे में। और उस पार्टी का एकमात्र विधायक है जो उस पार्टी का चेयरमैन भी है, जो हमारे साथ बैठे हैं नौशाद सिद्दीकी। और इनका नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है, इस पूरी कहानी में आगे पता चलेगा आपको, और क्यों लिया जा रहा है और क्या आरोप लग रहे हैं वो भी कहानी पता चलेगी। नौशाद सिद्दीकी अपनी पार्टी के एकमात्र एमएलए हैं, विधानसभा में बैठते हैं, ये तो कहानी है ही है। और कहानी ये भी है कि पश्चिम बंगाल के उन कुछ लोगों में से हैं जिनको हालिया पंचायत चुनाव में हो रही हिंसा के मद्देनज़र और तमाम चीज़ों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है। सिक्योरिटी का अभी कोई क्लास नहीं हुआ, अभी सिक्योरिटी का कोई कैटेगरी नहीं दिया गया, कैटेगरी नहीं दिया गया है, सिक्योरिटी मिलेगी ये कहा गया। अच्छा, हर जगह खबर चल रही है जेड प्लस की, इसीलिए मैंने पूछा। नहीं, सबसे पहले हम बंगाल गवर्नमेंट के पास बोला था मेरे सिक्योरिटी के लिए, रिफ्यूज़ किया, फिर उसके बाद सेंट्रल में बोला, फिर वहाँ से कोई मतलब पॉजिटिव मैसेज नहीं आया। फिर हम कोर्ट के कलकत्ता हाई कोर्ट में जाया, मेरे सिक्योरिटी के बारे में वहाँ बोला, फिर वहाँ से हम सिक्योरिटी लिए, कलकत्ता हाई कोर्ट डायरेक्शन दिया, फिर उसके बाद मिला सिक्योरिटी डायरेक्शन के बाद। हाँ, डायरेक्शन के बाद। मैं जो आपके ऊपर एलिगेशंस वगैरह हैं आपकी पार्टी पे, मैं तो उस पर बाद में आऊँगा। आपका एलिगेशन नाम लेते ही पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगे लेकिन मैं पहले जानना चाहता हूँ आपके बारे में, नौशाद सिद्दीकी कौन है, आईएसएफ क्या है, कैसे बना, कब बना, आप पार्टी में कैसे आए, कुछ बताइए कहानी, आराम से अपनी कहानी। देखिए, नौशाद सिद्दीकी एक छोटा सा लड़का था, अभी तो थोड़ा मतलब ये जो पॉलिटिक्स अभी चल रहा है ना बंगाल में, थोड़ा बहुत इन लोगों से हम लोग सीख के थोड़ा मतलब अच्छा करने के लिए जा रहे हैं। आईएसएफ हम लोग बनाया, इससे पहले हम सोशल वर्क में था, अभी भी है। आईएसएफ को बनाया 2 साल पहले। अच्छा, तो उसके पहले हम लोग एनजीओ के लेके काम करते थे, लेकिन हम लोग जब गाँव में जाते हैं काम करने में, जैसे सुंदरबन इलाका होते हैं और कोस्टल एरिया में जाते हैं। क्या काम करते थे, किस तरह काम? आदमी के खाने का बंदोबस्त, घर और मकान, इसके काम जो करते हैं आदमी करते हैं। किस एनजीओ से जुड़े थे? फुरफुरा शरीफ आहले सुन्नतुल जमात, फुरफुरा शरीफ आहले सुन्नतुल जमात एसोसिएशन नाम की एक एनजीओ है, अभी भी है। अच्छा। तो उनको लेके हम लोग काम करते करते देखे हैं कि जो पब्लिक का डिमांड है, जो उन लोगों का मांग है, जो राइट है, फुलफिल नहीं हो रहा है। हम लोग चैरिटी करके उनको, हम जो उन लोग का जो डिमांड है हम फुलफिल नहीं कर सकते, इसको फुलफिल करने के लिए सत्ता में आना पड़ेगा। उसको देख के हम पॉलिटिक्स में आया, क्योंकि उन लोग का जो हक है, जो राइट्स है, वो डिप्राइव हो रहा है, वो उन लोग को मिल नहीं रहा है, उन लोगों को देने के लिए हम पॉलिटिक्स में आए। अच्छा, आप बोले कि नौशाद सिद्दीकी छोटा सा लड़का था, तो अभी कितनी उम्र है आपकी? 30 साल। 30 साल, काफ़ी यंग है। हाँ, हमारे 30 साल में तो यूपी बिहार में 30 साल में तो लड़के पंचायत चुनाव भी जल्दी नहीं लड़ते हैं, और आप 30 साल में विधायक हैं यहाँ पे, और कायदे का पार्टी को टेंशन दिए हुए हैं 2-3 पार्टी को यहाँ पे। पार्टी में टेंशन पे बात कर लेंगे अभी, तो पार्टी बनाने में कौन कौन जुड़ा रहा आपके साथ, कौन कौन जुड़ा पार्टी बनाने में? देखिए, हर किस्म का आदमी हम लोग के साथ है। सही जवाब दीजिएगा, अखबार वाला नहीं, ललन टॉप पे। आप ललन टॉप जानते हैं, इसलिए मैं आपसे थोड़ा जिद करके पूछ रहा हूँ। देखिए, पार्टी तो हम अकेले नहीं खड़ा कर सकते, बनाने के लिए बनाने का वक्त भी जो लोग था अभी भी है, हर किस्म का आदमी था, कोई लॉयर भी था, ग्रास रूट लेवल का डिलीवर भी था, टीचर्स भी था, प्रोफेसर भी था, हर किस्म के आदमी को लेके हम लोग पार्टी बनाया। और चुनाव लड़ा आपने 2021 में, और चुनाव लड़ने में तो काफ़ी पैसा खर्च होता है, प्रचार में, लगातार कैंपेन करते रहने में, कार्यकर्ताओं के साथ जाने में, नामांकन में, जमानत में, सब कुछ में बहुत कुछ लगता है। ये पैसा कहाँ से आया 30 साल के लड़के के पास, जो एनजीओ में काम कर रहा था? अभी उस समय तो 28 साल हो गई होगी आपकी,
28 सर्किल के पास जो एनजीओ में काम कर रहा था और समाज के सुधार के लिए काम करने के दावे कर रहा था, उसके पास ये इतना सारा पैसा कैसे मैनेज हुआ? अब सही क्वेश्चन किया। देखिए हम लोग हम प्रोडक्ट्स में आए हैं बिजनेस करने के लिए नहीं, अभी तो प्रोडक्ट्स हो तो अर्निंग का प्लेटफॉर्म बना दिया, हम देने आए हैं। आप मेरे घर के बारे में जान सकते हैं, मेरे जो फोर्थ फादर हैं उनका ज़मीन कितना था, अब हम लोग के पास कितना है, हम लोग आदमी को देते हैं, आदमी के पास से नहीं लेते हैं। मतलब जो अभी जो प्रोडक्ट्स में चलते हैं ना, वो जो हर जो स्कीम के ऊपर से जो काटमंड चलते हैं बंगाल में, हम लोग वैसे काम नहीं करते। दो काम करते हैं हम लोग, क्राउड फंडिंग लेके हम पार्टी चलाते हैं और दूसरे जो ज़रूरत होते हैं हम अपने घर से देते हैं। अच्छा, घर में क्या माहौल है पैसे वैसे को लेकर, फंडिंग को लेकर? घर से संपन्न है या घर में स्ट्रगल है, क्या कहता है? घर से देते हैं। अच्छा, घर से देते हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि आपकी पार्टी के आप लोन MLA हैं, पंचायत चुनाव सर पे है और आपकी पार्टी पे बहुत सारे आरोप लगने लगे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी पार्टी पे आरोप लगने लगे हैं कि आप BJP से जुड़े हुए हैं, सुनते होंगे आप भी, ठीक है। आप ग्राउंड से गए हैं, आज भी आपका इधर डायमंड हार्बर के पास थे तो उधर भी ये आरोप लग रहे हैं कि भाई आप BJP से जुड़े हुए हैं, BJP आपको बैक कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस और लेफ्ट वाले आपको बैक कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ भी कहते हैं। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं, बहुत सारे लोग आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो ये सवाल भी तो उठता है ना कि आप जब समाज के सुधार के लिए लोगों को राजनीति में आना होगा, जब आपने कहा, तो ये भी बात उठती है कि भाई वो राजनीति के लिए कोई और पार्टी क्यों नहीं, अपनी ही पार्टी क्यों बनाई दी आपने? आपके लिए एक पार्टी का विकल्प हो सकती थी TMC, आपके पास एक ऑप्शन हो सकता था कांग्रेस, आपके पास लेफ्ट भी एक ऑप्शन हो सकता था। BJP और मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि दोनों की बनती नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से देखें तो आपके पास एक ऑप्शन BJP भी हो सकता था। अलग पार्टी क्यों बना आपने चुना, या और इन पार्टियों के साथ क्यों नहीं जाना चुना? देखिए बात क्या है ना, हम चाहते हैं समाज के हर किस्म के आदमी के लिए बोले। हम देख रहे हैं ना, असेंबली के अंदर भी देखते हैं, असेंबली के बाहर भी देखते हैं, जब ST के ऊपर कोई हमला हो रहा है, फेक ST सर्टिफिकेट देके वो लोग जब ले रहे हैं, उन लोग का जो ST कोटा है दूसरों ने उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके बारे में एक भी ST समाज का विधायक को हम अंदर में कुछ बोलने नहीं देते हैं, क्योंकि उसके पीछे कोई ट्यूनिंग कर रहे हैं। माइनॉरिटी के इतना मुद्दा है, कोई नहीं बोलते हैं असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी, अभी तो अपोजिशन में हमें अकेले है माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, बोलते नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कोई ट्यूनिंग कर रहे हैं। जब आप देखिएगा जो राष्ट्रपति के ऊपर जो बात किया गया अखिल गिरी ने, मिनिस्टर ने, तो रूलिंग पार्टी के बहुत सारे विधायक है जो ST समाज से बिलोंग करते, एक भी बात नहीं बोला, क्यों? उनके पीछे कोई ट्यूनिंग है। हम चाहते हैं मेरे पीछे और मेरे दल के जो कार्यकर्ता रहेगा उसके पास कोई ट्यूनिंग ना हो, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, जो भी हो, आओ एक प्लेटफॉर्म है, तुम अपने बारे में पूछ, राइट वे से, डेमोक्रेटिक वे से तुम पूछो, एक सौ बार पुकारो, तुम दलित हो तुम दलित के बारे में बोलो, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम आदिवासी हो आदिवासी के बारे में बोलो, कोई दिक्कत नहीं, तुम मतुआ हो मतुआ के बारे में बोलो, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम मुसलमान हो तुम अपने हक के लिए 100 बार बोलो, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग यही चाहते हैं, इसीलिए हम लोग अपना तरीका से पार्टी बनाया कि इसमें कोई ट्यूनिंग व्यूनिंग नहीं चलेगा। जैसे हम असेंबली के अंदर भी बोलते हैं, असेंबली के बाहर भी बोलते हैं, वाका प्रॉपर्टी के बारे में हम जैसे बोलते हैं ठीक सही वही तरह से जो हिंदूज है उनके जो रिलीजियस जो लीडर ये है उनके जो वेद होते हैं देवत्व संपत्ति बोलते हैं बंगाल में, उसको देवत्व संपत्ति बोलते हैं। अभी इस सरकार के वक्त में उसको भी खा जा रहा है, लेकिन वो ट्रांसफरेबल नहीं है, उसको सेल नहीं कर सकते। इस गवर्नमेंट के आने के बाद ऐसा भी चल रहा है, हम जैसे वाका प्रॉपर्टी के बारे में प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक देवत्व संपत्ति के बारे में भी हम प्रोटेस्ट करते हैं कि वाका प्रॉपर्टी भी उद्धार करना चाहिए और देवत्व संपत्ति दोनों के बारे में प्रोटेस्ट करते हैं। मेरे पीछे कोई ट्यूनिंग करने का कोई नहीं है ना, हम जो मर्जी बोलते हैं, जो डेमोक्रेटिक वे से बोलते हैं, लेकिन दूसरे वालों को क्या होते हैं ना, तुम इतना बोलो इसके बाहर मत बोलो, तुम इतना बोलो इसके बाहर मत बोलो। हम लोग नहीं चाहते हैं जो हम लोग का लक्ष्य है जो एम है पीछे से कोई ट्यूनिंग करे।
इसलिए अलग पार्टी। ममता बनर्जी के बारे में क्या सोचना है? आपके सूबे की सीएम है, क्या सोचना है उनके बारे में, कैसी नेता लगती हैं? जी, एज ए सीएम उनको हम सम्मान करते हैं, आगे में भी करेंगे। और कैसी नेता लगती हैं? सीएम के तौर पर सम्मान तो करेंगे ही, लेकिन नेता कैसी लगती हैं वो? देखिए ममता जी जब अपोजिशन लीडर था, वो बंगाल नहीं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर था, अपोजिशन लीडर। अभी उनके दल का टॉप टू बॉटम तक करप्टेड हो गया। अभी मतलब पीछे वाला जो था, अभी उनसे 180 पूरा चेंज हो गया। और बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ पे अपोजिशन है, जो बीजेपी जिस तरह से यहाँ पे बंगाल में विधानसभा चुनाव में ग्रो की है, बीजेपी के बारे में क्या सोचना है आपका? बीजेपी और टीएमसी एक ही है बंगाल में, टीएमसी और बीजेपी एक ही है। रुपया के इस तरह बढ़ोतरा वाला क्यों? अब देखिए ना, बीजेपी का एमएलए है, ऑफिशियल एमएलए है, और बीजेपी का एमएलए है, और टीएमसी का वो एमएलए टीएमसी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। ये किसके बारे में बोल रहे हैं? उनका नाम है विश्वजीत, शायद मंडल नाम होगा, विश्वजीत मंडल, विश्वजीत नाम का है, उसका सार नेम पता नहीं है। अच्छा, ऑफिशियली वो बीजेपी का एमएलए है। एमएलए है, है अभी तक भी ऑफिशियली है। हाँ। और टीएमसी का वो बंगाल सांगठनिक जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उसका हाँ। प्रेसिडेंट है। ऐसा है क्या? ऐसा हालत है बंगाल में। हाँ, सही है ये। हाँ। अच्छा, ये बंगाल बीजेपी और टीएमसी अलग नहीं है, ये दिखाने के लिए कुछ बोलते हैं दीदी ने, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। दीदी चाहते हैं हर वक्त दिल्ली में बीजेपी पावरफुल रहे। दीदी चाहती हैं? हाँ, दीदी कभी भी नहीं चाहती हैं दिल्ली में बीजेपी थोड़ा वीक हो जाए। कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, कांग्रेस 60 साल हिंदुस्तान में उनका राज किया, मतलब डेमोक्रेटिक वजह से, फिर भी उन लोगों को देश में लगातार यूपीएस अगर लास्ट वाले शासन के वाले 10 साल था ना, फिर भी उन लोगों का बहुत काम करना चाहिए था, जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। लेफ्ट के बारे में देखिए, लेफ्ट के साथ हम लोग अलायंस भी था, कांग्रेस के साथ हम लोगों का अलायंस भी था। लेफ्ट बंगाल में 34 साल शासन किया, लेकिन एक काम करने नहीं दिया बंगाल में, कारी हाथ से उसको दबा के रखा था, ये कम्युनल वायलेंस लेफ्ट ने नहीं होने दिया, नहीं होने, ये सबसे उनका अगर 10 में से 10 ही मिलना चाहिएगा तो ये लेफ्ट, ये कम्युनल वायलेंस बंगाल में होने नहीं दिया। अगर देखिए, वो अगर सब कुछ सही से किया, अगर लोग किया था तो सरकार नहीं चेंज होते, उन लोगों का भी गलती है, इसलिए सरकार चेंज होगी। कम्युनल वायलेंस की बात हो रही है, और वायलेंस की जब बात होगी तो आपकी पार्टी का नाम आएगा। आपकी पार्टी के समर्थकों पे और कार्यकर्ताओं पे आरोप है कि उन्होंने टीएमसी से जुड़े कार्यकर्ताओं की हत्या की है, इस आरोपों पे क्या कहना चाहेंगे? एक दो केस स्टडी तो हम खुद जानते हैं, एक दो लोगों से हम कल मिले, एक दो लोगों से हम आज मिले, और हम ये सारी कहानियां देख रहे हैं लगातार, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले हम बोल रहे हैं कि हम लोग पार्टी से जो बात करते हैं, हम लोग का जो आइडियोलॉजी है, पार्टी का जो गाइडलाइन है, हम भी जो तकरीर करते हैं, एक आप अगर एक वार्ड आप दिखा सकते हैं कि इस वार्ड को लेके कम्युनल हारमोनी तोड़ेगा, मतलब कोई टेंशन होगा, ऐसा आप देखा नहीं सकते, क्योंकि हम इसको लेके हम जिक्र नहीं करते। हम लोग का काम है आदमी का जो राइट है उनको देना, कोई हिंदू मुसलमान ईसाई कोई बात नहीं है, जो डिप्राइव्ड है उनको राइट देना हम लोग का काम है, उसके ऊपर हम बोलते हैं। और जो आप बोला है ना मुझे मतलब एक बारे में, आपकी पार्टी के लोगों पर ब्लेम लगता है, देखिए आप क्या चल रहा है बंगाल में, जो अपोजिशन है रात के अंदर पुलिस घुस जाते हैं उनके घर में जाके, ऐसे करके चाल, सब गरीब आदमी है, जो उनका जो किचन है खुला हुआ किचन रहते हैं उनका, जो जहाँ पे वो लोग चावल रखते हैं, वहाँ का जाके हाथ दे के वहाँ से पिस्तौल निकाल रहे हैं। ठीक है, ऐसे आते हैं वीडियो, मतलब वीडियोग्राफी भी साथ में ले जाते हैं वीडियो करने के लिए, आते हैं संग संग जाके चाल का जो डिब्बा है उससे पिस्तौल निकालते हैं, चाल के डिब्बे में नहीं अपोजिशन का जो कड़ी करते हैं पिस्तौल रखा है। मेरा बात यही है, अब क्यों जाके उधर ही आप जाके हाथ डाला है, इतना जगह था अब उधर जाके क्यों हाथ डाले, पहले उधर रखा है गया रूलिंग पार्टी से, पहले उधर रखा गया, फिर उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आके उधर से निकाला, वीडियोग्राफी किया, ये अपोजिशन ने किया है, ISF ने किया है, बीजेपी ने किया है, CPM ने किया है, कांग्रेस ने किया है।
और जो मर्डर के बारे में बोल रहे हैं उनका इस जो वाइफ और उनका जो लड़की डॉटर है उनका भी आप स्टेटमेंट बंगाल का मेन स्ट्रीम जो मीडिया यहाँ पे भी देखा, मैं उनसे मिलकर भी आया हूँ। वो तो बोला है कि उनका पिताजी को जोर जबरदस्ती लेके गया, जो बोला कि खेप खेलने के लिए, और उनके पिताजी के वीडियो वायरल हुए, बांस से पीटा गया उनको। अच्छा नहीं, उस काम को कभी भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, कोई भी वायलेंस को हम एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन हम मेरा बात है, अगर उस स्टेज पर आदमी क्यों गया, उसको लेके गया जे मारो तुम्हारे से आदमी के ऊपर। अब इसके उस दिन में 14-15 तारीख को एक लड़का को पकड़ लिया था, फिर उसको छोड़ दिया। वो अपने जवान से पहले बोला कि उनको 5,000 रुपया दिया गया ISF के आदमी के ऊपर गोली चलाने के लिए। वो एक ही इलाका का आदमी है। अगर सुनिए, अगर हम लोग के ISF का कार्यकर्ता अगर इतना वायलेंस चाहते हैं तो जिसको पकड़ लिया था उसको छोड़ते। अब बोली उसको छोड़ दिया, हाँ बोला तुम बोलो तुम किस मतलब बात लेके इधर आए थे। वो बोला उसके फिर उसके बाद छोड़ दिया। तो ब्लेम है हम लोग के ऊपर, उससे जो मर्डर हुआ है मेरा भी नाम उसमें घुसा दिया, तो हम क्या करें। आपका भी नाम है उसमें FIR में, उनका जो मेरा नाम भी देखा है कि हम कौन से तरीके के साथ इसमें जुड़ा हुआ है, जो षड्यंत्र है उसके साथ हम जुड़ा हुआ है। होगा मेरा नाम में केस तो क्या होगा, आईना विचार है, अदालत भी भरोसा है, जाएंगे उधर। आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भी हमला किया गया। हाँ, एक कर्ता के ऊपर सर पे गोली करके मार दिया, पाँच दीन मुल्ला भांगर में जयपुर 24 साल का, और पाँच हॉस्पिटल में एडमिट था, खुद तीनों ने हॉस्पिटल से आ गया। अब देखिए विजयगंज किसने हमला किया था, के कार्यकर्ता ने, बाहर से गुंडा लोग बदमाश लोग जो होते हैं, गुंज लोग जो होते हैं, उनको लेके भांगड़ में आके जो नॉमिनेशन का वक्त था पूरा BDO ऑफिस घिर के रखा था। उस वक्त ये लोग नॉमिनेशन देने के लिए जा रहा है, तो उसको उस वक्त हमला किया। अब देखिए भांगड़ में 4-5 को गाड़ी अभी पता नहीं है कि नहीं, तो आग लगा दिया था किसी ने, तो उस गाड़ी का जो नंबर है हुगली डिस्ट्रिक्ट का भी नंबर है, नेम प्लेट नंबर प्लेट WV 1918-16 हुगली का नंबर है। हुगली का गाड़ी उधर क्या करने गया, कैनिंग टू जीवनतोला रोड का जो टेकर होते हैं वहाँ पे आया, वो बाहर से आदमी को लेके उधर आया वहाँ का वायलेंस करने के लिए। आप भी तो हुगली में ही रहते हैं। हाँ, हम तो वहाँ का हम विधायक है। हम यही बात है, वो गाड़ी किसने लेके जाए, वो नंबर देख के उनको पूछना चाहिए तुम्हारा गाड़ी इधर क्यों आया, कौन तुमको भाड़ा किया था, कौन रेंट में नहीं आया। इसका कोई मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा क्योंकि ये तो रूलिंग पार्टी के साथ है ना। जनवरी में आप पर केस हुआ था, 40 दिन हिरासत में थे, जेल में थे, क्या केस था, फिर बेल पे बाहर आए, कहानी बताइए। हम उन लोगों का ये केस था उन लोगों का, जो हम पुलिस के ऊपर अटैक करने के लिए बोला है, पुलिस को मारने के लिए हम बोला है, पुलिस को गाली दिया है, जो क्राउड था उनको हम मोटिवेटेड किए। जनवरी में जो वायलेंस हुआ था यहाँ पे मोटिवेटेड किए हम, मैंने पुलिस को मारने के लिए ने बोला है, वो मेरे ऊपर आरोप है। फिर आए जज कोर्ट ने नहीं दी, मेरा जमीन भी नहीं दिया, हाई कोर्ट में गया, जज साहब ने वीडियो पूछा, कोई भी एविडेंस है, जो वीडियो दिया है उन लोगों ने पुलिस की तरफ से, उस वीडियो में आया है, हम बोला है कि पुलिस हम लोगों का दोस्त है, हम लोगों का फ्रेंड है, उनके साथ बदतमीजी मत करो, उनके साथ अच्छी बिहेवियर करो, ये वीडियो उन लोग को चला दिया। हम तो हर वक्त ऐसे ही बोलते हैं, आज का प्रोग्राम जो यहाँ पे था दोड़ो प्रोग्राम वहाँ पे जाके भी बोला है, तुम कभी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो ऐसा मत कम करो, अगर कुछ छोटा या बड़ा जो भी ज़रूरत होगा, जो अपना लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाओ, नहीं तो मेल करो, OC को मेल करो, SP को मेल करो, तुम कानून हाथ में मत लो। हो सकता है आपकी जानकारी में न हो, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि आपकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता समर्थक ज़्यादा उत्साह में आके हिंसा कर रहे हों, लोगों की जान ले रहे हों, या वो लोगों पे हमला कर रहे हों, ऐसा पॉसिबल है, उत्साह में आके गलती कर रहे हों? नहीं, एक हम काबी में ही करने नहीं देते। देखिए जिस दिन मोइनुद्दीन का डेट हुआ पूरी करके, जब जिस दिन मारा था उस दिन भांगड़ का पूरा उत्तल हो गया था हम लोग का कार्यकर्ता ने, हम उस दिन हम लोग कार्यकर्ता को ये बोला अगर किसी TMC का ऊपर कोई अटैक तुम लोग करोगे तो हम भांगड़ में आना छोड़ देंगे, हम नहीं चाहते कि इस वोट को लेके आपस पे तुम लड़ जाओ, वोट एक दो दिन का बात है, लेकिन तुम मतलब 20 साल से एक साथ रह रहे हो, वोट को लेके तुम आपस में क्यों तोड़ रहे हो। हम हर वक्त शांति का बात बोलते हैं, अमान का बात बोलते हैं,
और नौसार से देखिए ये बताइए, बीजेपी से आपकी से आके क्या साठ गांठ है? क्योंकि मैं जिन भी नेताओं से मिला सब बोल रहे हैं कि नौसार सिद्दकी और ISF के पीछे बीजेपी खड़ी है, बीजेपी का हाथ है, बीजेपी का पैसा लगा है, इतना तक बोला जा रहा है। क्या है बीजेपी की सांठगांठ आपकी? सुनिए, जिस वक्त मेरे को अरेस्ट किया था जनवरी में, उस मेरा दो फोन था वो ले लिया था, ठीक है। उसके बाद उसको फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट आने के पहले यहाँ पे एक मतलब माहौल बना दिया था, हम बीजेपी के फंड लेके ऐसे ऐसे किया। मेरे एक दोस्त के साथ मेरा बातचीत चल रहा था इसके बारे में, उसको लेके बहुत कुछ किया, लेकिन अभी तक वो लोग प्रूव नहीं कर सका मैं एक रुपया लिया। हम अभी भी बोल रहे हैं कि ऑन कैमरा अगर किसी ने प्रूव किया, अगर करेगा जो हम नौसाद सिद्दीकी या ISF बीजेपी के एक रुपया लेके फंड लेके पार्टी चला रहे, उस दिन बंगाल का जनता ने हमको जो सजा देगा हम मान लेंगे। देखिए बात क्या है ना, जो TMC वालों मेरे साथ पॉलिटिकली हम लोग मेरे साथ वो लोग कंपटीशन में नहीं आ पा रहे, इसीलिए मेरे को बूमरंग करने के लिए, मेरे नाम खराब करने के लिए, परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन मेरे मेलाइन करने के लिए मेरे नाम पे, मेरे पार्टी के नाम पे लोग ये डाल रहे हैं, मतलब कीचड़ डाल रहे हैं। सिक्योरिटी क्यों चाहिए? हाँ, पहले हम सिक्योरिटी नहीं लिए थे, फिर भी दो तीन मतलब मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। कब बताइए कहानी, तो बताइए कहानी, कब हमला हुआ, किसने करवाया? लेकिन हम जिसके खिलाफ बोलते हैं, हम जो लोग ने पिछले वर्ग के लोग को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ बम लाठी पिस्तौल उन लोग के हाथ पे उठा के, नाम लीजिए देखिए आप। ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी का जो है दादा लोग है उनके खिलाफ हम बोलते हैं। हम एक बात बोलते हैं, जो निराश होने का कोई जगह नहीं है, घबराने का कोई जगह नहीं है। तुम मुसलमान हो, तुम दलित हो, तुम आदिवासी हो, संविधान खोलो, तुम्हारा हक वहाँ पे है। संविधान आओ, बम गोली पिस्तौल छोड़ के कलम पकड़ो, तुम्हारा हक तुम्हारे घर में आ जाएगा। हम इस बात में ज़्यादा चर्चा करते हैं। इस बात में चर्चा करने से किसी पार्टी का कुछ आदमी का खराब हो रहा है, मतलब ये उन लोगों जिसको देखे बम लाठी पिस्तौल लेके जो हिंसा करा के सत्ता में आते हैं, हम उसके खिलाफ बोलते हैं। इसको लेके मेरे ऊपर दो तीन बार अटैक हुआ, तो उसके बाद हम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को चिट्ठी लिख के दिया था, जो मेरा सिक्योरिटी का ज़रूरत है, नहीं दिया। फिर ये पंचायत इलेक्शन में मेरा ऊपर भी अटैक हुआ था। हम जब 13 तारीख को नॉमिनेशन डालने जा रहे थे, कार्यकर्ता को लेके हम जा रहे हैं, रास्ते के दो तरफ बम धाम धड़ाम घाम, मीडिया ने फ़ोन किया। हम उनको बोला आप सुनिए, क्या साउंड सुनिए बम का। इसको लेके फिर मेरा दोस्त जो लोग हैं वो कहाँ से उनको खबर भी मिला है, क्योंकि मेरा बहुत दोस्त है जो अभी रूलिंग पार्टी के साथ मिला हुआ है, मतलब पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो भी बोल रहा है कि कोई यहाँ पे कोई कंस्पिरेसी चल रहा है, तुम अपने सिक्योरिटी बारे में तो उसको थोड़ा सोच लो। फिर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखा है, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री में, उन्होंने भी हम लोग को सिक्योरिटी नहीं दिया मेरे को। फिर हम कोर्ट के पास गए, हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट से सिक्योरिटी मिला। वो लोग बोलते हैं कि आप रूलिंग पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, और वो बोलते हैं कि ये केवल रूलिंग पार्टी के खिलाफ ही बोलते हैं, ये बीजेपी के खिलाफ कभी क्यों नहीं बोलते हैं, मेन अपोजिशन के खिलाफ कभी क्यों नहीं बोलते हैं बंगाल में, वो भी तो वायलेंस कर रहा है। ये सारे वायलेंस में बीजेपी को वाइट वॉश कर रहे हैं और TMC को एक्यूज़ करते हैं सारे सब कुछ में, क्या कहेंगे? हम बोलते हैं बीजेपी धर्म के ऊपर वोट लेते हैं, जो दलित का लड़का, जो पिछले वर्ग का, जो हिंदू का लड़का लोग हैं वो यहाँ पे रह गया, और अमित शाह जी का लड़का 2014 के पहले किया था, अभी क्या बन गया? सिर्फ धर्म के लेके पॉलिटिक्स वो करते हैं, हर वक्त उनके भी खिलाफ बोलते हैं, लेकिन TMC वालों का कान में आँख में उन लोगों का जो खिलाफ जो बोलते हैं, वो लोग चूड़ी मतलब जॉब चूड़ी किया है, जो उन लोगों ने गलती किया उनके खिलाफ वो उन लोगों का कान में और आँख में जाते हैं। बीजेपी के खिलाफ जो बोलते हैं वो लोग का कान में भी नहीं जाते, आँख में भी नहीं दिखते। हम उस क्या करें उसके लेके, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो उनका जो गलत इसमें है उनके खिलाफ भी बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का भी जो गलत है उनके खिलाफ बोलते हैं। और आपको लेकर खासा एक खासकर दक्षिण 24 परगना में, साउथ 24 परगना में खासा माहौल है कि यहाँ पे
ISF को बीजेपी पुश कर रही है, जो भी उनका एलिगेशन है कि बीजेपी ISF को इसलिए पुश कर रही है कि बीजेपी कैंडिडेट ज़्यादा है नहीं, और बीजेपी ISF को इसलिए पुश कर रही है कि वोट बढ़ जाए मुसलमानों का, क्योंकि सबसे अधिक वोट 24 परगना में है, वोट बढ़ जाए तो TMC को नुकसान हो जाएगा, तो ओवरऑल थोड़ा सा TMC को नुकसान होगा, लोग ये सोच रहे हैं। मतलब आपको लेकर एक खासा डिस्रप्शन है सिस्टम में, आपको लेकर खासी बातचीत हो रही है। देखिए, किसका लाभ होगा किसका नुकसान होगा वो देख के हम पॉलिटिक्स में नहीं आए। और एक बात है, दूसरी बात है, TMC 12 साल से सत्ता में है, इतना उन लोगों का स्कीम है, लोग खामा खा उनको TMC के छोड़ के मेरे पास आ जाएगा, क्यों आएगा मेरे पास, आप बोलिए। अगर आप बोलना चाह, मतलब कोई भी TMC का कार्यकर्ता बोल रहा है कि अगर नौशाद सिद्दीकी वोट में अगर उतरेगा, मतलब नौशाद सिद्दीकी को वोट देते हैं तो मुसलमान वोट देते हैं, क्यों, कोई किसने बोला? आप जो हम लोग का जो पंचायत इलेक्शन में जो कैंडिडेट बना है, सिर्फ क्या मुसलमान से कैंडिडेट बनाया? हर धर्म के है, हर मतलब जाति के हैं, दलित है हम लोग का कैंडिडेट है, आदिवासी है, मुसलमान है, और दूसरे मथुआ भी हैं, दूसरे जात का भी हैं, लोग खामा का हम लोग के ऊपर ब्लेम दे रहे हैं। हम बोलते हैं जात के ऊपर वोट मत कराओ, जो राइट्स है संविधानिक जो राइट है उनके ऊपर वोट कराओ, तुम मुसलमान हो, तुम आदिवासी हो, तुम मेरे को वोट डालो, ये क्या है? मुसलमान सिर्फ ममता को दीदी को वोट डालेगा, दूसरे के पास जाने का कोई हक नहीं है? मुसलमान बोलते हैं कि वोट डालो, ठीक है वोट डाल दिया, किया 12 साल में केटो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना दिया, बोलिए केटो बनाया? आलिया यूनिवर्सिटी 2007 का था, अभी 2023, आप सुन के हैरान हो जाओगे, 2011 के बाद भी सत्ता में है ना, अभी NAC का टीम विजिट भी नहीं हुआ। 2007 में यूनिवर्सिटी हुआ, 2011 में अपना मतलब सत्ता में आया रूलिंग पार्टी, अभी 2023 इतना साल हो गया, अभी NAC का विजिट भी नहीं हुआ। इसके बारे में आप जब बोलते हैं हम BJP के दलाल हो गए, हम क्या करें? हम जब अनिस खान को लेके बात करते हैं, बढ़िया स्टूडेंट था, उनका प्रोटेस्ट का लेवल बहुत अच्छा था, तो उसको लेके जब हम बोलते हैं, वाका पवाड़ी को लेके जब बोलते हैं, हम BJP के दलाल हो जाते हैं। हम जब फेक STSC सर्टिफिकेट के बारे में बोलते हैं, देवत संपत्ति के बारे में जब बोलते हैं, रूमा ओराव जल जमी का जंगल का जो अधिकार है आदिवासी का, इसको लेके जब बोलते हैं, मुसलमान का दल हो जाते हैं, मतलब किसी भी तरह से हमको टैग कर देते हैं। लेकिन हम बोलना नहीं छोड़ेंगे, हम आदमी के लिए बोलेंगे, आदमी लेके बोल रहा है इसीलिए हमको जेल में डाला गया, हम एक बनी 100 बार हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं, हम बोलेंगे। और एक बात है कि हम मेरा पावर में आना मेरा हम लोग का सपना नहीं है, जो चल रहा है ना इस सोसाइटी को चेंज करना होगा, हम लोग का सपना है। तो ये थे नौशाद सिद्दीकी, ISF के एकमात्र विधायक, पार्टी के चेयरमैन भी हैं, और अपने किस्म की राजनीति और अपने किस्म के आरोपों के साथ ललन डॉप बंगाल में है। तमाम कवरेज, तमाम बातचीत, तमाम आरोप प्रत्यारोप सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, और आप लोग ललन टॉप देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।